नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं। एक और बड़ा अपडेट चंडीगढ़ से इस समय आ रहा है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हरियाणा में टूट गया है। जी हां, बीजेपी जेजेपी का गठबंधन हरियाणा में टूट गया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जो सरकारी गाड़ियां, जो सरकारी काफिला उनको मिला था, वो वापस कर दिया है। और निकलकर सामने जो बड़ी खबर सामने आ रही है निकलकर, वो ये आ रही है कि जेजेपी लोकसभा में 2 से 3 सीटें बीजेपी से मांग रही थी। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर विवाद था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये बात तो जब दोनों पार्टियों के प्रवक्ता या दोनों पार्टियों के बड़े नेता सामने आएंगे तब पता लगेगी। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देंगे और हरियाणा की सरकार एक बार फिर से बनेगी। बीजेपी को जो निर्दलीय है उनका समर्थन है और जेजेपी के कुछ विधायक भी बीजेपी का साथ देने के लिए तैयार है, उनको समर्थन देने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो थोड़ी देर पहले हमने खबर चलाई थी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री पद से, तो क्या वही अगले मुख्यमंत्री होंगे, इसके ऊपर बड़ा सवाल है, या उन्हें करनाल लोकसभा से लोकसभा का चुनाव जिताकर केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री नहीं बनते, यानी तीसरे मुख्यमंत्री के पद पर शपथ नहीं लेते, तो मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा? 4.5 साल जेजेपी के साथ सरकार चलाने के बाद बीजेपी ने आज ऐलान किया कि वो जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ रही है। गठबंधन टूट चुका है। दुष्यंत चौटाला और उनके मंत्रियों ने सारी सिक्योरिटी और सारा सरकारी काफिला वापस कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गवर्नर को इस्तीफा देने के लिए पूरी कैबिनेट के साथ जा रहे हैं। मंत्रियों के तौर पर नए चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी ने ऑब्जर्वर के तौर पर अर्जुन मुंडा और तरुण चुग को चंडीगढ़ के लिए रवाना कर दिया है। ये भी बड़ा अपडेट, बड़ी खबर है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे या फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ही अपना इस्तीफा देकर तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। क्योंकि नैतिकता के तौर पर यह बनता था कि जब जेजेपी के गठबंधन के साथ ये सरकार बनी थी, तो जेजेपी से अगर गठबंधन टूटता है तो सरकार इस्तीफा दे, कैबिनेट इस्तीफा दे और उसके बाद तीसरी बार जो शपथ है, शपथ समारोह है, वो किया जाए और तीसरी बार शपथ लेकर ही मुख्यमंत्री बना जाए। नैतिकता यही कहती थी और यही बीजेपी ने फिलहाल हरियाणा में किया है। एक बार कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह राठौर को अपने साथ जोड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि बीजेपी के नेता इसके ऊपर कुछ भी कहने से फिलहाल बच रहे हैं। उनका कहना है कि वो इस पर कोई भी टिप्पणी अभी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें इस बारे में कोई भी जानकारी ही नहीं है। अब देखना होगा कि क्या जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं वो हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर इस्तीफा देकर करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पर ये खबरें चल रही हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा देने के बाद करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। नायब सिंह सैनी या संजय भाटिया, जो दोनों ही बीजेपी की टिकट पर कुरुक्षेत्र और करनाल से सांसद हैं, वो अगले यानी कि मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हालांकि राजनीतिक घटनाक्रम जब भी बदलते हैं, इस तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है, संभावनाएं तलाशी जाती हैं, सूत्र अपने अपने दावा करते हैं, सूत्रों के हवाले से ही हम भी आपको खबर देते हैं। लेकिन इस तरह की खबर आने के बाद अधिकतर मामलों में बात सही निकलती है क्योंकि सूत्र भी उन्हीं यानी कि उसी दायरे के अंदर से खबरें देते हैं जिस दायरे में ये चर्चा चल रही होती है, उन लोगों के बीच की ये चर्चा होती है, राजनीतिक लोगों के बीच की ये चर्चा होती है। फिलहाल आपको इसके ऊपर क्या लगता है कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री क्या मनोहर लाल खट्टर ही होने चाहिए या उनको अगर बदला जाता है तो दूसरा कोई नया और बड़ा चेहरा कौन हो सकता है बीजेपी में जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाए? सवाल यह भी है कि अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का चुनाव जीतते हैं, तो उनको केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मोदी कैबिनेट में दी जा सकती है। क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी नजदीकी, काफी करीबी हैं और अगर वो केंद्र में जाते हैं तो उनको वहां पर भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि 9.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो राजनीतिक तजुर्बा है, संगठन का तजुर्बा तो पहले उन्हें था ही, लेकिन जो राजनीतिक तजुर्बा है वो काफी ज्यादा हो चुका है। हमारे साथ कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह राठौर जुड़ रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राठौर साहब, बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट गया है, कैबिनेट इस्तीफा देने जा रही है, तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन मुख्यमंत्री बदलने की जो चर्चा चल रही है, इसके ऊपर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, अभी चीजें कुछ देर के अंदर स्पष्ट होंगी जी, और कि मुख्यमंत्री के बदलाव की भी जो है वो ऐसी अफवाहें चल रही हैं, खबरें चल रही हैं, अफवाहें नहीं, खबरें चल रही हैं, खबरें चल रही हैं जी, पर मुझे लगता है कि अभी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट नहीं है। पर कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को लेकर के, सरकार की कार्य प्रणाली को लेकर के, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्र नेतृत्व के अंदर के दिमाग में कई सारी बातें जो है वो चल रही हैं, और देखना होगा कि भाई किस प्रकार से क्या फैसले भारतीय जनता पार्टी लेती है। राठौर साहब, अगर जेजेपी के साथ गठबंधन, जी जी जी, जेजेपी के साथ जो गठबंधन टूटने की जो खबर की पुष्टि कई सूत्रों ने की है, वो इस बात का प्रमाण है कि ये सरकार पूर्ण रूप से फेलियर साबित हो रही थी, और उस पे एक मोहर लगाने का काम जो है वो इस गठबंधन टूटने से निश्चित रूप से हुआ। सर, ये भी खबर आ रही है कि दुष्यंत चौटाला ने अपनी गाड़ियां वापस कर दी हैं, सिक्योरिटी वापस कर दी है, सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर विवाद था। आपको लगता है कि जेजेपी जैसी पार्टी जिसका अभी इतना जनाधार नहीं था कि तीन सीटें अगर वो मांगे और तीन सीटें जीत भी जाए, आपको लगता है कि सिर्फ ये एक कारण हो सकता है बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने का, या पीछे की जो केमिस्ट्री है, पॉलिटिकल केमिस्ट्री है, वो कुछ और है? देखिए, कई कारण हैं। आप जब से सरकार का गठन हुआ है, पहले दिन से ही लोगों ने मन बनाया था और लोग लगातार कह रहे हैं कि मजबूरी का गठबंधन था, आपसी एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए गठबंधन को बनाया गया था। पर जिस प्रकार से दोनों ही दलों ने लूट हरियाणा के अंदर की है, अब कहीं ना कहीं फेस सेविंग करने का ज्यादा मामला है। सीट शेयरिंग को लेकर के तो लंबी चौड़ी बात नहीं हो सकती, जेजेपी का इतना बड़ा जनाधार ही नहीं हरियाणा के अंदर है कि सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर के वो प्रभावशाली तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के आगे अपनी बात रख पाते। राजनीति में बार्गेनिंग पावर देखी जाती है, जेजेपी की कोई बार्गेनिंग पावर आज हरियाणा की राजनीति के अंदर नहीं थी, तो ये स्वाभाविक था। ये जानते थे कि भाई जो इन मांग रहे हैं लोकसभा के अंदर, कोई भी राजनीतिक दल उनकी इस मांग को पूरा नहीं करेगा। तो एक बात और भी है कि अब ये भी खबर आ रही है कि जेजेपी के जैसे कुल 10 विधायक है, जिसमें नैना चौटाला और दुष्यंत चौटाला, दो खुद चौटाला परिवार के 8 विधायक और है, कह रहे हैं कि 7 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के संपर्क में, बीजेपी को समर्थन देकर सरकार बनवा देंगे, जबकि बीजेपी चाहे तो निर्दलियों के सहारे भी सरकार को चलाया जा सकता है। देखिए, जेजेपी के विधायक आप जानते हैं कि काफी दिन से मुखर थे, गौतम साहब लगातार मंत्री पद को लेकर के नाराज चल रहे थे, और हरियाणा की जनता के सामने लगातार वो बोल रहे थे और स्पष्ट शब्दों में कह रहे थे कि उन्हें गुस्सा है, उन्हें मंत्री नहीं बनाया। तो मंत्री बनने का लालच जो है वो ज्यादा जेजेपी के विधायकों में था, और अब आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी जेजेपी के विधायकों को मंत्री पद ऑफर करेगी और वो तुरंत प्रभाव से मंत्री पदों को एक्सेप्ट करने का काम करेंगे। मैं बारी बारी, तो आपको लग रहा है कि ये गिव एंड टेक हुआ है इसमें, आपको लग रहा है? उसे कोई विचारधारा का गठबंधन नहीं था। अगर विचारधारा का गठबंधन जब ही मजबूत होता है जब दो दल एक विचारधारा के साथ चलते हैं, यहाँ विपरीत विचारधारा का गठबंधन था। जब विपरीत विचारधारा का गठबंधन होता है तो वो किसी न किसी लालच के आधार पर होता है। अब लालच इन सबको, सारे MLAs को मंत्री पद का था, जो वो पूरा नहीं हुआ। आज मौका देखते ही भारतीय जनता पार्टी फिर जेजेपी के विधायकों को लालच देगी शाम तक। क्या अब ऐसा समझा जाए राठौर साहब कि जो हरियाणा के अंदर अब ईडी है वो कहीं जेजेपी के लीडरों के पीछे लगेगी, क्योंकि करप्शन के आरोप तो बहुत लगे हैं, आप लोगों ने भी खूब आरोप लगाए दुष्यंत चौटाला के ऊपर। मैं तजर्बे से कह सकता हूँ अपने कि आप शाम तक देखिएगा कि जेजेपी के ज्यादातर MLA उसको ये मंत्री बनाने का काम करेंगे, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल स्पष्ट है, वो मंत्री पद के लालच में तुरंत प्रभाव से जेजेपी को तोड़ भी देंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल होकर के जो है वो
मंत्री पद को स्वीकार करने का काम। इस बात में क्या दम लग रहा है आपको जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है, इसमें क्या, यानी खबरें चल रही हैं ये भी नेशनल मीडिया के ऊपर, इसमें क्या सच्चाई दिखते हैं? और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए कांग्रेस और मजबूती, अगर ये सब स्पेकुलेशन है, अभी तक कोई किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है, पर अगर कोई ऐसा होता भी है तो कांग्रेस तो और मजबूत होकर के उभरेगी। लोग तो काम का आकलन करेंगे, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, 5 वर्षों में जो लोगों का उत्पीड़न हुआ है, अब ये चाहे कुछ कर ले, लोगों ने मन बनाया हुआ है, लोग इनकी भ्रम जाल की राजनीति में अब फंसने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी मजबूती से ना केवल लोकसभा में, आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर भी उभर करके लोगों की सेवा करने का काम करेगी। धन्यवाद सर। तो ये थे वीरेंद्र सिंह राठौर, राष्ट्रीय सचिव है कांग्रेस के, कहा कि अगर ये गठबंधन टूटता है चुनाव में, बीजेपी कांग्रेस का आमना सामना होता है, तो हम और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ पाएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं एबन 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।